छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह जी और उनके अधिकारियों के साथ और हमारे अधिकारी एक बहुत अच्छी बैठक हुई और उसमें मुख्यतः दो बातें तय हुई कि छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जहां 46% जंगल है, ये उनको ज़्यादा जंगल होने की और ज़्यादा जंगल अच्छी तरह से मेंटेन करने की सजा नहीं होनी चाहिए, उनको उसका लाभ मिलना चाहिए। और इसलिए उनके जो चारों पांचों मुद्दे बहुत सारे आए कि जंगल ज़्यादा होने की लगभग उनको सजा मिल रही थी तो उससे उनको बचाया जाए, और दूसरा उनके यहाँ रीजनल ऑफिस होना, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म की जहाँ स्थिति है वहाँ अलग मायने पर, अलग मापदंडों पर वहाँ विकास के कार्यों को अवरुद्ध करना हमारी इच्छा नहीं और वो अवरुद्ध नहीं होंगे। इसके बारे में जो भी सारे सुझाव दिए हैं इसका एक हमने टाइम बाउंड प्लान बनाया है और आने वाले एक दो महीने में इसके बारे में ठोस निर्णय भी होंगे और काम भी शुरू हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है। छत्तीसगढ़ के बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जिसका समाधान छत्तीसगढ़ के विकास से, बस्तर सरगुजा के विकास से जुड़ा है, उसके विषय में माननीय मंत्री जी के साथ काफ़ी चर्चा हुई, सारे सीनियर अफसर भी थे। इसका एक पहला मुद्दा था कैंपा का फंड जो छत्तीसगढ़ में डिफॉरेस्टेशन के लिए मिलता है 3,200 करोड़। आज मोटे तौर में ये निर्णय हुआ कि इस फंड का जो लगातार सिर्फ 5% ही स्टेट को मिलता था, मंत्री जी ने कहा है कि इस फंड को हम कोशिश करेंगे कि स्टेट को डायरेक्ट ट्रांसफर हो, यानी 3,200 करोड़ की राशि अभी सिर्फ हमें इंटरेस्ट मिलता था, ब्याज से ही डेवलपमेंट के काम करते थे और उसमें भी वर्किंग प्लान का सेंक्शन भी यहाँ से होता था। इन्होंने कहा कि हम इसमें ज़रूरत पड़ा तो कानून भी बदलेंगे और रिलैक्सेशन करके स्टेट को उस कैंपा के फंड का पूरा शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए हम बात करेंगे, पहला इशू था। दूसरा इशू जो नेट प्रेजेंट वैल्यू किसी प्रोजेक्ट को जब फॉरेस्ट एरिया में लगता है तो उसके खिलाफ सरकार से उस एरिया में फॉरेस्टेशन के लिए पैसे जमा करना पड़ता है। बस्तर और सरगुजा जैसे क्षेत्र में एक इरीगेशन का प्रोजेक्ट या कोई प्रोजेक्ट में हमें यदि 10 करोड़ का प्रोजेक्ट की लागत है सिंचाई का, उसमें 20 करोड़ से 25 करोड़ एक्स्ट्रा एनपीबी में जमा करना पड़ता है। ये करीब करीब उस प्रोजेक्ट की कीमत 3 गुनी बढ़ जाती है, 30 से 40-50 करोड़ हो जाता है। तो हमने कहा कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए कम से कम इसके लिए रिलैक्सेशन हो तो बेहतर होगा। इसमें भी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। और FCA फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में क्लियरेंस के लिए हमने आग्रह किया है कि जो अभी सीलिंग है उस सीलिंग को बढ़ाया जाए, खासतौर से उन एरिया में जो हमारे LWE इफेक्टेड एरिया हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहाँ के लिए हमने रिलैक्सेशन मांगा है कि वहाँ के स्कूल, अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और दूसरे कंस्ट्रक्शन के लिए जो एक लिमिट है 1 हेक्टेयर का, उसको बढ़ाया जाए और उसको बढ़ा के 10 हेक्टेयर किया जाए। और फॉरेस्ट एरिया में जो प्रोजेक्ट हमारे चलते हैं, जो सड़कों का निर्माण करना है, यदि हाई टेंशन लाइन लंबी खींचना है उसके निर्माण के लिए कोई लिमिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 100 किलोमीटर यदि लाइन खींचना है, 100 किलोमीटर यदि रोड का कंस्ट्रक्शन होना है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। इस विषय में भी मोटे तौर पे सहमति बनी है कि इसको मंत्री जी ने कहा कि हम देखेंगे। और एक फॉरेस्ट का जो ऑफिस जो छत्तीसगढ़ को चाहिए रीजनल ऑफिस, उसके लिए मंत्री जी ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और स्टेट को रीजनल ऑफिस देंगे। काफ़ी अच्छी बैठक हुई, 1 घंटे तक हमने चर्चा किया और सभी विषयों पर मंत्री जी के साथ साथ विभाग के सभी अधिकारियों ने बहुत पॉजिटिव रुख किया और कोशिश करें कि जहां एक्ट में परिवर्तन करना हो वहां, और जहां इनके खुद के निर्देश से हो सकता है उससे भी दोनों कामों में गति आएगी।